बॉटल के नीचे यह बम क्यों होता है? क्यों इस जॉब में आपको लोगों को धक्का मारना पड़ता है और एक ऐसा स्मार्टफोन जिसकी बैटरी कभी खत्म ही नहीं होगी? और क्या होगा अगर हमारे नाखून होते ही नहीं? जान के आप शॉक हो जाओगे, तो बने रहना वीडियो के एंड तक। नंबर 20, ये जो आदमी है इसका काम है लोगों को ट्रेन के अंदर धक्का देना, लेकिन संभाल के ताकि उन्हें चोट ना आए और किसी की ट्रेन मिस ना हो। ये दुनिया में सबसे अजीब जॉब में से एक है। अगर ये इंडिया में होता तो आप गेस कर ही सकते हो। नंबर 19, आपने कभी नोटिस किया होगा कि जब भी हम सुबह सुबह स्कूल जाते हैं तब सुबह की बेल बहुत ही ज्यादा खराब लगती है, लेकिन फिर जब हम छूटने वाले होते हैं तो वही बेल हमें बहुत ही ज्यादा अच्छी लगती है। इसीलिए हर एक चीज अपने तरीके से खूबसूरत है। नंबर 18, अब कई सारे मॉल के ट्रोली में ऐसे कैलकुलेटर आने लगे हैं जिसमें आप सारी चीजों का प्राइस कैलकुलेट कर सकते हो और इससे आप आपके बजट के अंदर ही रहोगे और आप बिना जरूरत के चीजें नहीं खरीदोगे। हालांकि इससे सुपरमार्केट का थोड़ा नुकसान होगा, लेकिन ये कस्टमर के लिए काफी सही रहेगा। नंबर 17, ये काफी इंटरेस्टिंग किस्सा है। एक सिंगर था जिनका नाम था सर्जियो वेगा। एक बार इन्होंने एक छोटा सा ब्रेक लिया था और पब्लिक से थोड़ा दूर चले गए थे, तो इसके बाद हर जगह ये खबर आने लगी कि इनका मर्डर हो गया है। जब ये न्यूज वायरल हो गई तो उन्होंने आके बताया कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, पर इस चीज के एक घंटे बाद उनका सच में मर्डर हो गया और इनको किसने मारा ये भी अभी तक लोगों को नहीं पता चला है। नंबर 16, अगर आपको किसी चीज को जल्दी से पढ़ना है तो आपको इसके फर्स्ट लाइन को पढ़ना है और फिर लास्ट लाइन को भी अच्छे से पढ़ना है और बाकी बीच के पैरा को स्किप कर करके पढ़ना है। इससे आप उस चीज को फटाफट पढ़ लोगे और आपको याद भी रहेगा। नंबर 15, ये काफी शॉकिंग फैक्ट है। न्यूयॉर्क में इतने ज्यादा होटल हैं कि आपको सारे होटल में जाने के लिए 54 साल लग जाएंगे। इससे आप अंदाजा लगा सकते हो कि यहाँ पर कितना ज्यादा कॉम्पिटिशन होगा, पर उसके बावजूद यहाँ के होटल्स काफी अच्छे पैसे कमाते हैं। नंबर 14, ये काफी अमेजिंग फैक्ट है। मगरमच्छ के दांत कई बार टूट जाते हैं, पर टूटने के बस कुछ घंटों बाद इनके दांत वापस उग जाते हैं और इनका कोई भी 50 बार फिर से उग सकता है। नंबर 13, ये जो इमेज है इसे दुनिया के सबसे ओल्डेस्ट इल्यूजन में से एक माना जाता है। इसमें एक हाथी और एक बुल एक ही सर शेयर करते हैं, अगर आप ध्यान से देखो तभी आपको दिखता है। वाकई में ये काफी अमेजिंग आर्ट है। नंबर 12, इस होटल ने काफी कमाल का आइडिया लगाया। इसने ऐसा मेन्यू बनाया जिसमें हर एक पिज्जा का लुक है और साथ ही उसमें क्या क्या डला हुआ है उसका भी लिस्ट है। वाकई में ये काफी कमाल का आइडिया है। नंबर 11, आपने प्लेन से हेलीकॉप्टर के ब्लैक बॉक्स के बारे में सुना होगा, पर क्या आपने कभी इस दुनिया के ब्लैक बॉक्स के बारे में सुना है? ये ऑस्ट्रेलिया में है जिसके अंदर सारी बातें और एक्शंस रिकॉर्ड करके रखे जाएंगे जो क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड होंगे, ताकि फ्यूचर की जनरेशन ये देख सके कि हमारा प्लेनेट कैसे खत्म हुआ और किन लोगों की वजह से हुआ। नंबर 10, स्टारफिश का नाम स्टारफिश क्यों है? क्योंकि वो स्टार शेप की होती है, लेकिन कुछ स्टारफिश स्टार नहीं बल्कि स्क्वायर शेप की होती है। असल में इन स्टारफिश को बर्ड डिफेक्ट होता है और आप इन्हें स्टारफिश की दुनिया में हैंडीकैप कह सकते हो। नंबर 9, एक बार जरा इस इमेज को देखो, आप इसमें देख सकते हो कि यहाँ पर कितने सारे लोग हैं। इतने लोगों की वजह से इस शिप में बस खड़े होने की जगह ही बची है। ये World War II के सोल्जर्स हैं जो वापस आ रहे हैं और ये तो लड़ाई में गए 2% लोग भी नहीं है। सोचो ये कितनी खतरनाक लड़ाई होगी। नंबर 8, अगर आप कभी भी नॉर्मल पानी को लेके उसका बर्फ बनाओगे तो वो बर्फ सफेद जैसा बनेगा और पूरी तरीके से क्लियर नहीं बनेगा, लेकिन वहीं पर अगर आप किसी बॉइल्ड वाटर को बर्फ बनाओगे तो वो एकदम क्रिस्टल क्लियर बनेगा। यकीन नहीं होता तो आपको ट्राई करके देख सकते हो। नंबर 7, इस फोटो को देखिए। ये फोटो हाल ही में काफी ज्यादा वायरल हुआ था। इसमें एक तेंदुए की फोटो है, लेकिन इसमें वो है कहाँ ये इसमें काफी मुश्किल से दिखेगा। क्या आप उसे ढूंढ पाए कमेंट्स में जरूर बताना। नंबर 6, ये है पॉपुलर कंपनीज की एक मिनट की कमाई। नेटफ्लिक्स एक मिनट में 2 लाख रुपए कमाती है और एप्पल कंपनी एक मिनट में 2.5 लाख रुपए कमाती है और रिलायंस इंडस्ट्री एक मिनट में 10 लाख रुपए कमाती है। इंडिया में ये एक मिनट में सबसे ज्यादा पैसे कमाने वाली कंपनी है, इसलिए इंडिया के रिचेस्ट आदमी अंबानी है। नंबर 5, एप्पल का आईफोन 14 ऐसा बना रहे हैं कि आपका फोन यूं ही पड़े पड़े ही कहीं पर भी चार्ज हो जाएगा, मतलब कि उसकी बैटरी कभी खत्म नहीं होगी। यह भी बस कॉन्सेप्ट है, लेकिन आईफोन ने पहले भी ऐसे इम्पॉसिबल काम को सच करके दिखाया है। लोगों को लगता है कि अगर आपको स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना है तो आपको स्टॉक्स की वैल्यू हर सेकंड ट्रैक करनी होगी, अपना टारगेट बार बार चेक करना होगा, जो बहुत सारे लोग नहीं कर पाते। तो इसे आसान बनाने के लिए 5paisa ने लॉन्च किया है VTT, वैली टिल ट्रिगर। वैली टिल ट्रिगर एक ऐसा फीचर है जो आपको अलाउ करता है एक पर्टिकुलर प्राइस पर आपको स्टॉक बाय या सेल करने में जो आप फ्यूचर में एक्सपेक्ट कर रहे हो। ये एक बहुत ही यूजफुल फीचर है। आपको रोज रोज किसी स्टॉक को ट्रैक करने की जरूरत नहीं। VTT एक साल तक वैलिड रहता है, तो आपका स्टॉक जब भी उस टारगेट या स्टॉप लॉस हिट करेगा तो वो स्टॉक अपने आप बाय या सेल हो जाएगा। VTT ऑर्डर यूज करने के लिए यह है 3 स्टेप। स्टेप 1, आपको VTT टाइप मेन्यू से सेलेक्ट करना है। स्टेप 2, आपको अपने इनिशियल ऑर्डर
मॉडल में अपनी मनचाहिए क्वांटिटी, ट्रिगर प्राइस और अपने ऑर्डर को सेलेक्ट करना है। स्टेप 3, आपको अपना ऑर्डर कंफर्म करना है। VTT यूज करने के लिए आपको अपना डीमैट अकाउंट बनाना पड़ेगा, जो कि आप 5 पैसा के साथ फ्री में सिर्फ 5 मिनट में ओपन कर सकते हो। और तो और, ये फीचर बहुत कम प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल है, उसमें से एक है 5 पैसा। आप यूज कर सकते हो VTT फीचर जो कि अवेलेबल है 5 पैसा ऐप में, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, अभी डाउनलोड कीजिए 5 पैसा ऐप। नंबर 4, पहले सीट बेल्ट को वॉल्वो ने इन्वेंट किया था। और कोई कंपनी कोई चीज को पहले इन्वेंट करती है तो वो उसे पेटेंट करवा लेती है, यानी कि उसके सिवाय कोई भी दूसरी कंपनी उसको यूज नहीं कर सकती और यूज करने के लिए पैसे देने पड़ते हैं। पर वॉल्वो ने जानबूझकर सीट बेल्ट को पेटेंट नहीं करवाया, ताकि सारी कार की कंपनी इसे यूज कर सके और लोगों की जान बचे। वॉल्वो के लिए 1 लाख तो बनता है। नंबर 3, क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आप किसी दवाई को लेना भूल गए हो? पर इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इस टाइप की दवाई अब मार्केट में मिलने लगी है। इनके ऊपर एक टाइप से वॉच और टाइमर दिया होता है, जो कि ये बताता है कि इस दवाई को आखिरी बार कब खोला गया था। नंबर 2, आपने एक ना एक बार इन बॉटल के नीचे आने वाले बम्प को नोटिस किया होगा। तो आखिर ये किस काम के होते हैं? अगर आपको लग रहा है कि ये बॉटल को अच्छा दिखाते हैं तो आप गलत हो। दरअसल ऐसी कोल्ड ड्रिंक की बॉटल असल में ठंडी नहीं होती, लेकिन फिर जब इन्हें ठंडा किया जाता है तो इनके लिक्विड में चेंज आ जाता है, जिसकी वजह से उनके प्रेशर में चेंज आता है। और अगर बॉटल को नीचे से एकदम स्ट्रेट किया जाएगा तो फिर वो प्रेशर को झेल नहीं पाएगी और वो फट जाएगी, और इसीलिए इनको ऐसा शेप का बनाया जाता है। और पानी की बॉटल में गैस नहीं होता, जिसकी वजह से चेंज नहीं आता, इसलिए पानी की बॉटल को एकदम स्ट्रेट बनाया जाता है। नंबर 1, अगर हमारे नाखून ना होते तो क्या होता? जानता हूँ ये काफी अजीब सवाल है, लेकिन आप भी सोचते होंगे कि हमारे शरीर का सबसे वेस्ट हिस्सा नेल्स है, क्योंकि ये हमारे किसी काम के नहीं है, लेकिन असलियत में ये है। हमारे शरीर में कोई भी चीज यूजलेस नहीं है। जब हम इतने इवॉल्व नहीं हुए थे तब ये नेल्स हमारे बहुत ही ज्यादा काम के थे। ये हमें किसी भी चीज से बचने में और बहुत ही सारे अलग अलग जगह पर काम आते थे, लेकिन आज के वक्त में इनका काम कम हो गया है, लेकिन आज भी ये इम्पोर्टेंट है। बिना नेल्स के ऐसी कई सारी चीजें हैं जो आप नहीं कर पाओगे। यहाँ तक कि नेल्स आपके फिंगर को अच्छे से मूवमेंट करवाने में भी हेल्प करते हैं, और जो नेल्स होते हैं वो हमारे उंगलियों को कई बैक्टीरिया से भी बचाते हैं और हमारी उंगली के अपर पार्ट को प्रोटेक्ट करते हैं, इसीलिए नेल्स भी काफी इम्पोर्टेंट होते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, ताकि उनको भी पता चले कि आप कितने अमेजिंग वीडियोस देखते हो। और ऐसे ही वीडियोस आगे भी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, और हाँ, आप इन वीडियोस को भी चेकआउट कर सकते हो, ये भी काफी अमेजिंग वीडियोस हैं। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।